ओके सो हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का स्नाइपर गोस्ट वॉरियर कॉन्ट्रैक्ट्स 2 के पार्ट 6 में। तो गाइस देखो, हमने जो है लास्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 5 में हमने ताज ताहिर जो फ्रेंडली जर्नलिस्ट था उसे हमने जो है एस्केप करवा दिया, उसे हमने जो है रेस्क्यू करवा दिया। एंड सामने आपको जो दिख रहा है लोकेशन, तो यही लोकेशन हमने पूरा यू नो कवर किया था लास्ट पार्ट में। एंड इसी जगह पे, इसी लोकेशन में इसाबेला सैंचेस करके एक लेडी थी जिसको हमने एलिमिनेट किया, उसको हमें एलिमिनेट करना था। तो अभी दो लोगों को हमें एलिमिनेट करना है, दो एनिमीज को। एंड उसके बाद हमें ऑयल फील्ड्स को सैबोटेज करना है। तो ये सारी चीज़ हम लोग करेंगे आज। एंड एक चीज़ मैं बता दूँ, वैसे आपको देखा मतलब इसमें दिखा रहा होगा कि मैंने यू नो ये कंप्लीट नहीं किया है, मतलब रेस्क्यू तो आज था है एंड एलिमिनेट इसमें टेक नहीं आ रहा क्योंकि मैंने वापस से रीस्टार्ट किया है ये मिशन। तो बहुत उसके पीछे भी एक यू नो कहानी है, मतलब मैंने क्यों रीस्टार्ट किया तो मैं बता देता हूँ जैसे हम लोग यू नो आगे बढ़ेंगे तो मैं बीच बीच में बताते जाऊँगा कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो फिलहाल हमें जो देखो इन दोनों को हमें एलिमिनेट करना है एंड ऑयल फील्ड्स को जो है सैबोटेज करना है। तो वो हम चलेंगे आगे की तरफ अभी। एंड उधर हमें यू नो वो मिशन करने को मिलेगा अभी, ऑब्जेक्टिव पूरा करने को। तो देखो अभी आप देख सकते हो कि मैंने जो है मेरे गन में तो यू नो थोड़ा सा मैंने जो है इसका कैमो बदल दिया है, यू नो थोड़ा आउटलुक। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, कस्टमाइज कर लेते हैं। तो बहुत सारी सही सही चीज़ें मैंने ऐड ऑन की है, तो ये बहुत सही लग रही है अभी यू नो स्नाइपर। एंड इसमें मैंने जो है लॉन्ग रेंज वाला स्कोप डाल दिया है, एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज वाला, तो बहुत ज़्यादा पास में जाएगा। क्योंकि लास्ट पार्ट में मतलब मेरे पास बहुत शॉर्ट रेंज वाला स्कोप था जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी शूट करने में। एंड ऑब्वियसली एक लॉन्ग शॉट कॉन्ट्रैक्ट है। एंड इस गन को भी हमने थोड़ा सा और यू नो बहुत सही से हमने यू नो कस्टमाइज कर दिया है। एंड आगे थोड़ा सा मैंने इसको साइलेंसर टाइप लगा दिया ताकि ज़्यादा आवाज़ ना आए। ठीक है तो चलो मैं आपको धीरे धीरे बता देता हूँ कि क्या हुआ था। एक मिनट, तो आगे की तरफ थोड़े बहुत एनिमीज आपको मरे हुए दिखेंगे क्योंकि मैं उनको मार के आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं उल्टी तरफ से आ रहा था, ठीक है। तो इधर थोड़े बहुत मैंने मार दिया है एंड आगे थोड़े और लोगों को हमें किल करना है। देखो सामने एक दिख रहा है तो उनको हमें किल करना है। एक मिनट, तो पहले इनसे निपट लेता हूँ, बाद में बता देता हूँ, बाद में आपसे बात करते हैं। ओके पीछे से आ रहे शायद। एचक्यू, वी हैव आईज ऑन टैंगो, क्लियर। जल्दी ऊपर चढ़ जाता हूं मैं। कॉपी, डिस्पैच ऑल स्क्वाड्स, फ्लैंक हिम आउट। ठीक है चलो। हाँ देखो, तो गाइस क्या सीन हुआ था, सीन ये हुआ था कि मैं जब रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठा था, मतलब ये वाला जो पार्ट है पार्ट 6, यू नो मैं पहले रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठा तो सब सही से चल रहा था। मतलब गेम प्ले स्क्रीन जो है पूरा जो स्क्रीन है ये सब कुछ रिकॉर्ड सही से हो रहा था, मुझे टाइमर भी दिख रहा था कि रिकॉर्ड हो रहा है, गेम भी चालू थी, इसलिए मैंने सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं। तो सब सही से चल रहा था, आधे घंटे तक मैंने यू नो पूरा रिकॉर्ड किया, फिर मैंने कंप्लीट भी कर दिया ये मिशन। एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये मिशन ऑलरेडी कंप्लीटेड है, दूसरा रीजन जो है वो अनलॉक हो चुका है, लेकिन मैं वापस कर रहा हूँ ताकि जो है मतलब वो कंटेंट में दिखा नहीं पाया था, कुछ यू नो थोड़ा सा ग्लिच हो गया था इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया था वो वीडियो। तो वापस से मैं ये रिपीट कर रहा हूँ। तो सीन ये हुआ था कि जब मैंने पूरा यू नो गेम प्ले रिकॉर्ड कर लिया, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद जब मैंने फाइल खोली तो देखा तो भाई कि यू नो वीडियो चल ही नहीं रहा है, मतलब वीडियो एक ही स्क्रीन पर यू नो अटका हुआ है, मतलब एक ही इमेज आ रही है एंड वो उस एक ही इमेज पे अटका हुआ है। पूरा आधे घंटे का वीडियो ऐसे एक ही इमेज दिख रहा है एंड जा ही नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा मूवमेंट। तो पता नहीं, बहुत अजीब टाइप का ग्लिच था जो भी था, इसलिए मुझे लगा यार इसको पूरा का पूरा डिलीट करना पड़ेगा। एंड मैंने सेव तो कर दिया था, पूरा मिशन हमने कंप्लीट कर दिया था, लेकिन पता नहीं इसमें हम लोग लोड कर सकते कि नहीं बीच में से, पता नहीं। तो मैंने वापस से मिशन चालू किया एंड हम लोग जहाँ से हमने मतलब स्टॉप किया था उधर से वापस हम लोग ने रिज्यूम कर दिया। तो ठीक है अभी आगे बढ़ते।
एंड ये सब ग्लिचेस वगैरह तो होते रहते हैं क्यों नो, क्योंकि ऑब्वियसली कभी कभी होता रहता है कुछ कुछ चीज़ें गड़बड़। ठीक है, तो ये जगह पे देखो दिख रहा है ऊपर एक एनिमी है। तो गाइस आज के इस पार्ट में हम लोग फाइनली कंप्लीट कर देंगे ताजमहल हाइट्स वाला मिशन पूरा। ठीक है, तो बहुत नहीं नहीं इस तरफ नहीं जाना है माइंस। सामने की तरफ एनिमीज, एक मिनट मैं सोच रहा हूँ इस तरफ से चलता हूँ पहले। देखो ऐसे जब चल रहे होते हैं ना तब हमें शूट नहीं करना चाहिए वरना मिस हो जाता है। ओके ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ही यूज करते हैं बहुत सही रहेगा। HQ, Oscar 2-1, shots fired close, source unknown, over. बहुत ही बढ़िया। I'm on approach to the Oasis OP. Receive, Raven. Locate both Khan and Dragovich. The exchange is taking place today. We need both eliminated. Maybe I can take them both during the exchange itself. That's your call. If you miss one, the other may escape, though. If you can, take them separately. You may be more successful that way. Well, I do want to improve my odds. Okay, okay, okay. कुछ ज़्यादा ही हमने अलर्ट कर दिया था इन सबको। तो गाइज अभी हम लोग जाने वाले वो जो दो एनिमीज है ना उनको यू नो खत्म करने, तो हमें उस लोकेशन में जाना है एंड उसके बाद हम चलेंगे ऑयल फील्ड की तरफ। आई गेस इधर ही है। यप 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 यप, ये सामने जो देख रहा है आपको वही है, वही है, वही लोकेशन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद से वही है। हाँ यही तो है, यही तो है। देखो अब कितना सही लग रहा है लॉन्ग रेंज लगाने के बाद। पता नहीं मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि हम लोग शॉप कर सकते हैं, मतलब हम लोग खरीद सकते हैं ये सारी चीजें। उसके पहले हम लोग थोड़ा स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन कहाँ पे खड़ा है, क्या कर रहे हैं। ये रहा एक लीडर। I have visual on Khan. Looks like he's taking a walk with a small patrol. ये दूसरा his bodyguards. There have been several attempts on his life since the DLO bombed that US vessel. He never goes out without protection now. So are we doing the US government's dirty work here? There are plenty of administrations that would like to remove Khan and disrupt the DLO. His group will play a crucial role in Rashida's little war. We can't allow that to happen. Understood. I might need to split up his protection detail before I eliminate him. Yeah, the longer you can stay off their radar, the better. Facial recognition just picked up Dragovich. I can see the tag. He's indoors. I don't have a clean okay, shot. Okay, okay. Can you get him outside? I'll think of something. Raven out. ठीक है, बहुत ज़्यादा। अबे ये देखो, दो स्नाइपर बैठे हुए, ठीक है? दो स्नाइपर्स हैं, लेफ्ट और राइट की तरफ। Raven, what are those? Looks like some kind of power source. Any loss of power would get their attention. Received. Okay. That building must be their command center. I see a comms dish on the roof. Blowing the fuse box could draw Dragovich out. Someone's gonna have to fix it. That's okay, true. चलो 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 चलो। बहुत ज़्यादा स्कैनिंग हो गई, अब बढ़ते हमारे मेन जो है स्नाइपिंग। स्नाइपिंग करेंगे अभी हम। एंड बहुत सही व्यू मिल रहा है यार, लॉन्ग रेंज लेके मैंने मतलब बहुत सही चीज़ की, बहुत सही चीज़। नहीं इसको नहीं मार सकता, एक मिनट इसको मारना पड़ेगा पहले मुझे। ये इधर कब से खड़ा है इधर?
तो गाइस पहला शॉट सिनेमैटिक शॉट ठीक है आई डोंट थिंक इसको कोई नोटिस करेगा इधर देखो जितने भी जो दूर दूर है ना उनको पहले हम एलिमिनेट करेंगे ठीक है बढ़िया ओह शिट यार और एक था स्नाइपर स्नाइपर ये वाला रहा ओके इसको भी मारना पड़ेगा हमें शिट चलो फ्यूज बॉक्स के साथ थोड़ा सा हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा ठीक है एक बंदा गया कुछ ज्यादा आवाज आ रही है पता है स्नाइपर से पता नहीं शायद से मैंने चेंज कर दी स्नाइपर को ये कहीं तो जा रहा है पता नहीं ये कुछ करना पड़ेगा इनका अभी कुछ हुआ नहीं क्या बहुत बढ़िया चलो एक मिनट एक मिनट एक मिनट I'm seeing a boat on the water a possible escape route yeah a fast moving target at this range would be a problem can you disable it without raising the alarm Maybe. Take a minute. Okay. ठीक है अभी तक तो बहुत सही जा रहे हैं बहुत साइलेंटली यू नो एक एक करके सबको हम लोग अटैक कर रहे हैं इसको करना पड़ेगा मुझे अटैक ये बंदा यू नो वरना पता नहीं स्नाइपर वाला इसको नहीं छोड़ सकते हम ओके कहाँ गए ये दोनों कहाँ गए एक मिनट कंट्रोल देयर सम काइंड ऑफ पंपिंग स्टेशन Could be a useful distraction. Maybe that big valve. अच्छा ये दोनों साथ में आ गए क्या बात है यार क्या बात है साथ में रहो तुम दोनों साथ में रहो अबे यार ये कहाँ जा रहे हैं यार क्या करूं मैं
ठीक है। क्या कर रहे हैं लोग इधर? इसको उड़ा दूं क्या? क्या करूं मैं? एक मिनट। मैं यू नो इन सबको ब्लास्ट कर सकता हूं, लेकिन 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 दिक्कत है कि इधर एक बंदा खड़ा है। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, पता नहीं, मैं अलर्ट कर दूंगा मुझे लग रहा है सबको। शिट, अलर्ट हो गए। See about that. Oh shit, यार। आजा आजा इधर आजा। गया। Finally. In Rashida's chain are broken. I'm RTB, heading for extraction. I've updated the X4 coordinates on your map. Okay guys, तो ये वाला पड़ाव हमने पार कर लिया है बहुत सही से। तो बाकी के जो भी एनिमीज हैं उनको मारने की जरूरत नहीं है। वैसे जो मेन लीडर्स हैं उनको हमें एलिमिनेट कर दिया जो एनिमी साइड के थे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं ऑयल फील्ड्स की तरफ। Control. Do you think the DLO will splinter now Khan's dead? We can but hope. Truth is, they're a pretty hardcore bunch. That Navy bombing they carried out was a mess. Lots of good people died that day. With Khan eliminated, there's sure to be some infighting for leadership. Very least they'll keep them busy for a while. Roger that. Okay. Raven out. Okay, chalo. Okay, idhar bhi rahenge yaar enemies to. Pata nahi, that's it. Chalo, theek hai. Control, I'm approaching the OP for the oil field. With Hellstrom out of the picture, this production facility is one of Rashida's few remaining income sources. Bring it down, and her funds will dry up. We'll go. Okay. You're going to have multiple infrastructure targets here. Disable enough of them to halt production. What about hostile forces? We're tracking low numbers at the facility. Too few to cause you trouble from their location. But there are plenty of foot patrols on the plateau that could be tasked onto your position. Got it. No alarms. ठीक है तो गाइस, not unless you want some company up there. तो हमें किसी को भी अलर्ट नहीं करना है, बहुत बड़ी गलती होगी क्योंकि बहुत सारे एनिमीज आ जाएंगे। Blowing those barrels would reduce Rashida's supply and wake up the base. Confirmed. You'll need to prep for company if you do that. Roger. Raven out. Okay, एक मिनट. पहले हम लोग ये जो सिस्टम है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग ये खराब कर देते। बढ़िया, ये हो गया। अभी कोई तो आएगा उधर। यप, अभी ये दोनों उधर आएंगे। Raven, see those red valves on the pipeline? I do. What about them? Breaking them will cause a pressure failure in the... Okay, 1 minute. बहुत ही बढ़िया। Pressure failure in the lines. Shit, इसको पता चल गया क्या? Raven, you copy? Roger, Control. Go for Raven. We're tracking multiple hostiles converging on your position. I appreciate the heads up. यही तो दिक्कत है। Roger that.
भाई ये क्या कर दिया मैंने, बढ़िया। चलो अब इसको हमें टेक डाउन करना पड़ेगा कैसे भी करके, जो उधर बैठा हुआ है कब से, एंड यू नो मस्त एम लेके बैठा है। गया, इसकी वजह से बहुत नॉकआउट हुआ हमें, लिटरली मतलब बहुत ज्यादा नॉकआउट किया इसने मुझे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके तो गाइस ये वाला एरिया हमने कंप्लीट कर लिया है एंड फाइनली ये मिशन भी हमने जो है खत्म कर दिया है। तो मेन हमें जो है उस एक्सप्लोसिव्स को हमें यू नो ब्लास्ट करना था। Raven, putting that oil field out of commission has dried up all Rashida's sources of major capital. Kuamar's federal reserves are low too. She's going to struggle to pay for any new armaments, let alone troops' wages. You mean they're not working for love or patriotic zeal? Some maybe. But many are conscripts. Desertion is inevitable. In addition, this field supplied much of their primary energy to heavy industry there. Depressing their economy will add to internal pressures and take focus off matters outside of their borders. You guys really are coming at her from all angles. Same tactics snipers employ. Soften up and isolate the target. Control out. Okay. Chalo. Okay guys, तो हमने जो है यू नो ये पूरा मिशन हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है तो अभी हम लोग एक मिनट जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके यप ओके तो गाइस देखो तो अगला मिशन रहने वाला है राशिदा कलात। आई एम नॉट श्योर अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया कि नहीं। तो राशिदा कला एक नेक्स्ट मिशन रहेगा जो एक क्लासिक कॉन्ट्रैक्ट है, आई गेस सिमिलर टू माउंट कोमा। यप ये भी क्लासिक कॉन्ट्रैक्ट था। तो इसमें ज्यादातर यू नो क्लोज रेंज या तो फिर क्लोज कॉम्बैट या तो फिर यू नो स्नीक करके जाना, ऐसा टाइप का मिशन होगा। इन इसके सारे यू नो स्ट्रक्चर फैसिलिटी में हमें घुसना पड़ेगा। तो देखते क्या होता है, शायद से इसी जगह पे हमें राशिदा को एनकाउंटर करना पड़े। यू नो लेट्स सी क्या होता है, जो मेन लीडर है जो कहाँ गया, तो लेट्स सी क्या होता है। तो मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ जो रहेगा पार्ट 7, एंड उसमें हम लोग चालू करेंगे राशिदा कलात वाला मिशन। उसके बाद लास्ट मिशन, सिर्फ लास्ट रीजन रह चुका है एंड वो है, वो एक्चुअली अभी लॉक्ड है। तो सिर्फ दो रीजन से अभी बस, इसके बाद जो है पूरा गेम हम लोग ये गेम प्ले सीरीज कंप्लीट कर देंगे। तो बहुत जल्द हम लोग ये कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वन वीडियो। अगर अच्छा लगे देन डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू गेम स्टार। मिलेंगे बहुत जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, सी यू सून गाइस।